हर रात के बाद एक सुबह आती है, वैसे ही हमारे रोजेज में हर खराब कंडीशन के बाद एक अच्छी कंडीशन की शुरुआत होती ही है। तो यही चीज़ फ्रेंड्स पिछले 20-22 दिन में हुई है मेरे रोजेज के साथ। आपने सोचा होगा कि एमजे ने 20 दिन से कोई भी वीडियो बनाई नहीं है, ऐसा तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनकी इतनी वीडियोस आई नहीं है। तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा, साथ में फ्रेंड्स मैं आपको मेरे प्लांट्स की हालत दिखाऊंगा कि ये 20-22 दिन में एक्चुअल में मेरे गार्डन में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, एक चीज़ आप सबने सुनी होगी कि बारिश हमारे पौधों के लिए सबसे बेस्ट है, यानी कि बारिश की सीज़न में ऑब्वियसली हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और ये चीज़ झूठ नहीं है, ये 100% सच चीज़ है। लेकिन जब आपके यहाँ बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है, लगातार जब आपके यहाँ 20-25 दिन से बारिश कंटिन्यूस डेली होती है और कई कई जो वीक्स रहते हैं, यानी कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार 24 आवर्स जब भी बारिश चलती है, तो ऐसे में आपके प्लांट्स को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज़, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आप ये जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं कोकोपीट में, और कोकोपीट में बहुत सारे लोगों को ये डर लग जाता है कि जब बहुत सीवियर बारिश होगी हमारे प्लांट डाईबैक हो जाएंगे। जो माइंडसेट है लोगों का कि सीवियर बारिश में कोकोपीट में प्लांट डाईबैक हो जाते हैं, वो चीज़ मेरे गार्डन में आके फेल हो जाती है। अब जैसे कि फ्रेंड्स मेरे यहाँ लगातार 20-22 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हुई थी, कंटिन्यूस। आज का एक ऐसा दिन है जो सुबह मैंने थोड़ी सी सनलाइट देखी और आज सुबह से मेरे यहाँ बारिश रुकी हुई है। कल भी मेरे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, यानी कि 1-2 दिन से मेरे यहाँ बारिश रुकी हुई है। तो कल तो एक दिन मैंने पूरा दिन पानी नहीं दिया, आज मैंने अपने सारे पौधों के अंदर फंगीसाइड के साथ पानी दिया है। फंगीसाइड में मैंने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है। ट्राइकोडर्मा का इंपॉर्टेंस आपको समझना है तो मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। तो आज मैंने यही काम किया और लगातार 20-22 दिन से मैंने खुद से अपने पौधों के अंदर वाटरिंग नहीं की थी। अब जैसे कि फ्रेंड्स मेरे गार्डन में एक भी ऐसा पौधा नहीं है, एक भी ऐसा रोज़ प्लांट नहीं है जिसने डाईबैक किया हो ये मॉनसून की सीज़न में, यानी कि इतने सीवियर बारिश में भी मेरे एक भी प्लांट ने डाईबैक नहीं किया है। और इनफैक्ट मैं आपको एक सिंडर वाला प्लांट दिखाऊंगा जिसने जिसके ऊपर बहुत ख़राब रिजल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिंडर ख़राब है, लेकिन बारिश की सीज़न में जब आपके यहाँ लगातार लगातार बारिश हो रही होती है, तो ऐसे में आपके प्लांट के ऊपर आपको ख़राब रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला ख़राब रिज़ल्ट मुझे ये देखने को मिला, मेरे प्लांट के ऊपर से बहुत सारे लीव्स झड़ चुके हैं। जितने भी लीव्स थे वो बहुत सारे लीव्स झड़ चुके हैं। आप देखोगे मेरे प्लांट्स ओपन ओपन से लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लीव्स गिर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा नीचे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रेनेज है हमारे टेरेस का और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लीव्स जमा हो चुके हैं, पानी भी जमा हो चुका है। नीचे देखिए बहुत सारे लीव्स गिरे भी हैं, यहाँ पीछे देखिए इतने सारे लीव्स गिरे हुए हैं। और 20-22 दिन से किसी भी टाइप की सफाई वगैरह मैंने नहीं की है और जो पत्ते गिरे हुए हैं गुलाब के वो बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो जब आपके यहाँ लगातार बारिश चलती है, पूरे पूरे दिन बारिश चलती है, बारिश का पानी एसिडिक होता है और आपके पौधों के ऊपर, यानी कि आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर बारिश का पानी गिरता रहता है और जमा रहता है, ऐसे में सबसे पहले जो एक चीज़ क्रिएट होती है वो है फंगस। फंगस की वजह से आपके प्लांट के लीव्स इन्फेक्टेड होते हैं, पीले हो जाते हैं और फाइनली वो गिर जाते हैं। हमारे जो फ्लावर्स भी आप देख रहे हो सारे काले हो चुके हैं, ये जो देख रहे हैं ये फ्लावर भी काला हो चुका है। बहुत सारे फ्लावर्स जो बारिश की सीज़न में खिले हुए थे वो सारे फ्लावर्स काले हो चुके हैं। अब जो भी नए फ्लावर्स खिले हुए हैं वो अभी सही है, लेकिन जो पुराने फ्लावर्स हैं वो सारे ब्लैक हो चुके हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जब बारिश लगातार आपके पौधों के ऊपर गिरेगी तो ये फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर पत्ते गिरने वाले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि जैसे ही प्लांट के ऊपर से पौधे पत्ते गिराता है तो प्लांट शुरू कर लेता है अपने न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज। मॉनसून की सीजन में स्टोरेज का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और ये इम्पोर्टेंस अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको स्टोरेज से रिलेटेड एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बना के दे सकता हूँ कि स्टोरेज
कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रोजेज़ के लिए। तो जैसे ही प्लांट के पत्ते गिरते हैं तो हमारे प्लांट स्टोरेज क्रिएट करना शुरू कर लेंगे, और ये स्टोरेज आपको आगे चल के आपके प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ लाने में भी हेल्प करेंगे। और विंटर सीजन में भी डोरमेंसी के बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो यही स्टोरेज आपको काम आएगी। स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोरेज क्रिएट करने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र ज़रूरी है, क्या प्रोसेस ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बता सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको चाहिए या नहीं। अब जैसे कि देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स मेरे कोकोपीट में हैं, एक भी प्लांट डाईबैक नहीं हुआ है, जो भी है वो आपके सामने है। जो भी प्लांट अगर डाईबैक हुआ होता तो आप देख लेते प्लांट की हालत कैसी हुई होती। ऐसे फ्लावरिंग्स भी नहीं करते प्लांट और ऐसे लाल पत्ते भी नहीं निकलते, तो हर एक प्लांट के ऊपर अच्छी ग्रोथ चल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आता हूँ मेरे सिंडर वाले एडेनियम पे, ये जो देख रहे हैं फंगस लगा हुआ है। तो इतनी सीवियर बारिश जब भी होती है, यानी कि 20-22 दिन तक लगातार जब बारिश में हमारे एडेनियम्स पड़े रहते हैं, और ये एडेनियम सिंडर में है, ऐसा नहीं है कि ये एडेनियम मिट्टी या तो सैंड में है। ये जो देख रहे हैं मैंने जानबूझ के इसको सिंडर में डाल दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे यहाँ की बारिश, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ की बारिश कैसी है, इसीलिए मैंने ये प्लांट को सैंड से हटा के सिंडर में डाल दिया था। क्योंकि मैं हर साल की ये बात है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, हर साल मेरे यहाँ ऐसी बारिश होती है और मुझे अनुभव है ऐसी बारिश का, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये जो प्लांट को सिंडर में डाला हुआ है। लेकिन जैसे कि देख रहे हो सिंडर में भी ये प्लांट ऊपर से डाईबैक हो चुका है। मैंने ये प्लांट के अंदर किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला था, लेकिन फिर भी ये प्लांट ऊपर से डाईबैक हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब आपके यहाँ क्लाइमेट एकदम सीवियर होता है तब आपके प्लांट के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। मे बी वो समर्स एकदम सीवियर हो, या तो मानसूनस एकदम सीवियर हो, या तो विंटर्स एकदम सीवियर हो। जब क्लाइमेट हद से ज़्यादा ख़राब होना शुरू होता है तब वो असर आपको प्लांट के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में करना क्या है, ऐसे में सीधी एक सिंपल चीज़ है, आपको रखनी होगी पेशेंस। देखिए 20-22 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं तो बहुत तेज़ बारिश हमारे यहाँ रहती ही है। दोपहर के यहाँ तेज़ बारिश, ऑफिस आवर्स में भी बारिश शुरू होती है, शाम के रात के वक्त भी बारिश, यानी कि पूरे पूरे दिन बारिश रहती है। हम खुद बारिश से परेशान हो जाते हैं, और आपने न्यूज़ में वगैरह में सुना होगा कि साउथ गुजरात सूरत सिटी में इतनी ख़राब बारिश हुई थी कि हर एक एरिया में पानी भर चुका था। कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे पानी की जो फ्लड्स की प्रॉब्लम नहीं थी, हर एक एरिया में पानी जमा हो चुका था, इतनी सीवियर बारिश हुई थी। तो बस हमें करना ये है कि पेशेंस रखना है, बारिश को गिरने दीजिए, क्योंकि ऐसी बारिश में अगर आप फंगीसाइड स्प्रे भी करोगे तो कोई असर नहीं होगा, अगर आप स्टिकर भी डालोगे तो भी असर नहीं होगा, वो धुल जाएगा, क्योंकि लगातार पानी गिरता रहता है तो कोई भी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड असर नहीं करता। तो बस मैंने ये इतने दिन वेट किया, मैंने बस एक टाइप का आप समझ लीजिए कि पहली बार मेरे कोकोपीट वाले रोजेज़ ने इतनी सीवियर बारिश देखी है। वैसे लास्ट टाइम तो मेरे यहाँ सिंडर में थे, लेकिन इस बार कोकोपीट में है, और मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ कि कोकोपीट में एक भी मेरा रोज़ प्लांट मरा नहीं है, डाईबैक नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा मेजर इश्यूज़ नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मेरे यहाँ सिंडर में ये प्लांट थे, सिंडर में भी यही सेम चीज़ हुई थी, यानी कि ये बारिश हर साल मेरे यहाँ इतनी सीवियर होती ही है, और सिंडर में भी यही सी चीज़ हुई थी। बहुत सारे पत्ते गिर चुके थे जब मेरे यहाँ लगातार 8 दिन 10 दिन नॉनस्टॉप 24 आवर्स जब भी बारिश गिरती है तो प्लांट के ऊपर से सारे पत्ते उतर ही जाते हैं। तो सिंडर में भी यही सेम चीज़ हुई थी, और कोकोपीट में भी यही सेम चीज़ रिपीट हुई है, लेकिन एक भी प्लांट कोकोपीट में डाईबैक नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, मैंने इस बार नॉलेज लिया है। कोकोपीट बारिश में आपके रूट सिस्टम को ख़राब नहीं कर सकता अगर आपने पहले से इसकी केयर नहीं की है। इसकी केयर मैंने पहले से क्या की है, तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताई है कि मैंने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल समर सीज़न से शुरू कर लिया है। और ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगीसाइड है जो आप पहले से यूज़ करना शुरू करोगे तो बाद में धीरे धीरे वो अपने प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास एक जाल बना देता है, जिसकी वजह से रॉटिंग के फंगस आपके प्लांट के रूट्स को डैमेज नहीं करेंगे।
तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने बहुत बार आपको बताई है, जब भी कोकोपीट यूज़ करते हो तो आप उसके साथ इधर परलाइट यूज़ करिए या तो कोई भी उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ मत करिए, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ, ये वो कुछ भी यूज़ नहीं करना है। 100% कोकोपीट यूज़ कीजिए और उसके साथ आप थोड़ा सा 10% 20% जितना परलाइट आप ऐड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। तो अगर ऐसा आपका मीडिया रहेगा तो इतनी ख़राब बारिश में भी आपके प्लांट रॉट नहीं होंगे। ये जो देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे पौधे हैं, ये इस साल अगस्त महीने में एक साल के हो जाएंगे और ये एक भी पौधा मेरा डाईबैक नहीं हुआ है। इतनी अच्छी मुझे रिजल्ट मिला है इस बार कोकोपीट में। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये सारे पत्ते गिर चुके हैं, अब सपोज़ मेरे यहाँ बारिश कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये प्लांट अपने फिर से नए पत्ते निकालेंगे, नए फ्लावरिंग्स निकालेंगे और जो नए पत्ते आएंगे वो और भी हेल्दी आएंगे, क्योंकि ये पूरी 20-22 दिन में प्लांट ने सिर्फ अपने स्टोरेज पे काम किया है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखा है, जो जैसे ही उसको एक सही क्लाइमेट मिल जाएगा ये वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। तो समझ लीजिए ये पूरे 20-22 दिन में मैंने अपने पौधे के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं किया है, कोई भी इंसेक्टिसाइड भी यूज़ नहीं किया है, कोई भी मैंने फंगीसाइड भी यूज़ नहीं किया है। आज से मैं अपने पौधे के ऊपर काम करना शुरू करूंगा, जैसे ही मुझे लगे कि भाई मेरे यहाँ बारिश अभी कम हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें आज से मैंने शुरू करना चालू कर दिया है। तो आज मैंने अपने प्लांट के ऊपर अपने प्लांट के ऊपर शाम के वक्त फंगीसाइड का स्प्रे करूंगा, रेडोमिल गोल्ड का एक बार स्प्रे कर लूंगा, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करने वाला हूँ। मैंने ट्राइकोडर्मा रूट सिस्टम के अंदर आज सुबह ही डाल दिया है अच्छी तरह। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, जब मुझे लगेगा कि भाई क्लाइमेट अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, सनलाइट हल्की हल्की सी आ रही है, तो बाद में मैं अपने प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र शुरू करूंगा। फर्टिलाइज़र क्या शुरू करूंगा? 0-52-34 शुरू करूंगा। जी हाँ, 0-52-34 ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर स्टोरेज क्रिएट होगा। और दूसरी चीज़, 0-52-34 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, जिंक बहुत ज़रूरी है, ये न्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते जो रहते हैं वो ग्रीन बने रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा ग्रीन आपके प्लांट के पत्ते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्रिएट कर पाएगा। जितना ज़्यादा प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा उतना ही ज़्यादा आपके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट बनेगा। क्लोरोफिल का पिगमेंट जितना ज़्यादा बनेगा आपके प्लांट के पत्ते उतने ही ज़्यादा हरे भरे रहेंगे और साथ में आपका प्लांट उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट करेगा। जी हाँ, यानी कि आपको सीधा सीधा काम करना है फोटोसिंथेसिस पे। प्लांट को एक अच्छे लोकेशन में रखिए जहाँ पे उसको लाइट अच्छी खासी मिल सके। अगर आपने डार्क लोकेशन में रखा है तो आपका प्लांट स्टोरेज क्रिएट नहीं करेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आपको ये डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आपको भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपके प्लांट के पत्ते भी हरे भरे रहे ये मॉनसून की सीज़न में और प्लांट के पत्ते ना गिरे। और अगर आपके प्लांट के पत्ते गिर चुके हैं तो बाद में उसको कैसे हम नए पत्ते ला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप प्लीज़ मुझे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।